दोस्तों आज मैं आपके लिए एक मल्टीबैगर शेयर आज आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो एक महीने में आपका पैसा डबल कर सकता है। और अगर आप इसमें 10,000 रुपये भी निवेश करते हैं तो वो एक आपके अच्छे खासे रिटर्न के लिए काफ़ी है। कंपनी क्या काम करती है, कंपनी ड्राई फ्रूट मैन्युफैक्चरिंग करती है या उनकी पैकेजिंग करती है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स। तो बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी मैं रेगुलर अपडेट डालता रहता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों जिस शेयर की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है NGIL ग्रुप, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें कंपनी जो है वो NSE रजिस्टर्ड है, जिसका अभी का करंट प्राइस 123.25 रुपये है और जिसमें अभी 4.53% का आज हमें लोअर सर्किट देखने को मिला है। लेकिन फिर भी मैं ये शेयर आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि जो इसके ग्राफिकल टेक्निकल है ना, वो इसे बहुत ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं कि हम इसे खरीदें इस प्राइस पर। अगर हम बात करें इसके एक महीने की तो आप देखोगे एक महीने में ग्राफ में बहुत मामूली सी 4% की गिरावट है। वहीं बात करें इसके एक साल के ग्राफ की तो एक साल में इसने हमें 18% का एक डिसेंट रिटर्न बनाकर दिया है। लेकिन अगर इसे हम लंबे समय में जज करें, यानी 5 साल या मैक्सिमम में देखें, तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखोगे, इसने एक तो 85% का रिटर्न दिया है जो कि एक डिसेंट रिटर्न है 5 साल के हिसाब से, इतना कुछ खास रिटर्न नहीं है। लेकिन जो इसके टेक्निकल समय अलाउ कर रहे हैं ना, देखो ये जो इतना लंबा एक सपोर्ट बन रहा है ना, और ये मैं आपको दिखाऊँ सपोर्ट कौन कब से कब तक का बन रहा है, इस चीज़ को नोटिस करने वाली बात है। आप यहाँ देखो इस तारीख से देख सकते हो आप 10 जून 2022 से और अभी तक इतना लंबा सपोर्ट, यानी 6 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं, आप इस लाइन को देख सकते हो। ये जो सपोर्ट है ना भाई, ये तूफान से पहले की शांति है, इस चीज़ को ध्यान रखना। जब भी इतने लंबे सपोर्ट बने ना, ध्यान रखना, अगर एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला शेयर है तो उसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का समय उस ग्राफ का आ चुका है, इस चीज़ को ध्यान रखना। लेकिन इन जो मैं शेयर आज आपके लिए लेकर आया हूँ ना, इसमें जितना जो महत्व एंट्री का है उससे ज़्यादा महत्व इसमें एग्जिट का होगा, ठीक है, बात को समझना। यानी एंट्री करने का तो इसमें अच्छा समय बन चुका है, लेकिन जब ये ग्राफ ऊपर जाएगा ना तो इसमें एग्जिट करने का भी ज़रूर ध्यान रखना। वापस हम पहले इसके फंडामेंटल्स को चेक कर लेते हैं कि इसके फंडामेंटल्स इसे कैसे डिफाइन करते हैं। आप देखोगे, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, कंपनी जो है वो देखो ड्राई फ्रूट और पल्स यानी दाल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग करती है। उसके बाद बात करें कंपनी की मार्केट कैप की, देखो कंपनी जरूर एक स्मॉल कैप कंपनी है, 170 करोड़ की कंपनी है। कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4% है। कंपनी अभी अपने एक साल के अधिकतम से काफ़ी कम दामों पर देखने को मिल रही है। सबसे पहला पॉइंट तो ये था, जो इसका सपोर्ट बन रहा काफ़ी लंबे समय से वो अलाउ कर रहा कि ग्राफ ऊपर जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल, कंपनी जो मैं टारगेट आपको बता रहा हूँ ना, उससे भी 100 रुपये ज़्यादा तक अचीव कर चुके हैं इसी साल में, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना कि मेरी बात में कितनी ज़्यादा गहराई है, कि कंपनी क्या टारगेट अचीव कर सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कंपनी की सेल हम देखते हैं, कंपनी की सेल कैसी है। अब आप देखोगे कंपनी की जो ईयरली सेल है उसमें कंपनी की सेल में इजाफा हुआ है। 2020 कोरोना के टाइम को देखो तो जरूर मार्च 2019 में 51 करोड़ से सेल सीधा 25 करोड़ यानी ऑलमोस्ट आधी से भी कम हो चुकी थी। कंपनी की सेल आधी से भी कम हो गई थी कोरोना काल में, लेकिन दोबारा से जैसे ही कोरोना गया उसके बाद दोबारा जो इसकी सेल है वो दोबारा से बढ़नी शुरू हुई और अब पूरी तरीके से कंपनी की सेल रिकवर कर चुकी है और कंपनी 4-4.5 करोड़ के आसपास तक का प्रॉफिट जो है वो ऑपरेट कर रही है, यानी बना रही है। नेट प्रॉफिट में देखें तो कंपनी एक नेट प्रॉफिट 1.74 करोड़ का करा है, जो कंपनी ने पहले कभी नहीं करा, यानी कंपनी का प्रॉफिट लगातार इंक्रीज हो रहा है। अब सबसे मेन बात क्या करते हैं, देखो सबसे मेन हो जाता है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग। सीधी सी बात है भाई, बहुत अच्छी प्रमोटर्स की होल्डिंग है इसमें, 70% के आसपास की प्रमोटर्स होल्डिंग है। लेकिन आपको 2% का इसमें डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा, यानी 2% प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें घटी है। अब इस बात से आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास अभी भी 70% प्रमोटर्स की होल्डिंग है और उसमें भी पब्लिक में मैं आपको दिखाऊँ ना तो आप देखोगे पब्लिक में कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं, ठीक है। आप इस स्क्रीन पर देख सकते हो जो 30% की होल्डिंग है ना, उसमें से 3.86 ऑलमोस्ट 4% की इक्विटी सिंगल बंदे लेके बैठे हैं। तो ये हिडन इन्वेस्टर्स हैं, इतना बड़ा पैसा कोई भी बंदा जब ही लगाएगा जब उस कंपनी की उसे अंदर तक की इन्फॉर्मेशन होगी, और अंदर तक की इन्फॉर्मेशन होने के बाद भी जब भी पैसा लगाएगा ना, जब उसे पता होगी कि शेयर ऊपर जाने वाला है, तो इन चीज़ों को नोटिस करो। वापस हम अपने ग्राफ पर आएँ
तो देखो दोबारा से समझा रहा हूँ, सबसे पहली चीज़ क्या है इसमें, सबसे पहली चीज़ है जो इसके टेक्निकल अलाउ कर रहे हैं कि भाई बहुत लंबा सपोर्ट बन रहा है, उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शेयर यहाँ से ऊपर जाएगा। नंबर दो, ये अभी भी अपने 52 वीक हाई से ना काफ़ी नीचे है, और अपने 52 वीक हाई जो मैं टारगेट बता रहा हूँ उससे 100 ज़्यादा है, यानी कंपनी में पोटेंशियल है कि दोबारा से वहाँ तक जा सके जो काम कंपनी पहले कर चुकी है। नंबर तीन, कंपनी की प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स होल्डिंग कंपनी की बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि वो बहुत ज़्यादा हमें एक तरीके से हमें ग्राफ्स और फंडामेंटल्स के अलावा प्रमोटर्स होल्डिंग हमें ये दिखा देती है कंपनी में कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, कितनी ज़्यादा सच्चाई है, कोई ऑपरेटर्स का खेल तो नहीं है, इन चीज़ों को प्रमोटर्स होल्डिंग क्लियर कर देती है। अब बात करते हैं क्या टारगेट ये हमें दिखा सकती है। देखो मैं ये भी कह सकता था कि कंपनी 500 का टारगेट दिखा सकती है व्यूज़ के चक्कर में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी की मैं आपको बताऊं, कंपनी एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर ना आपको 200 प्लस तक नज़र आ सकती है। अगर आप इसे थोड़े लंबे समय में निवेश करते हैं यानी लॉन्ग टर्म में, तो भाई उसमें थोड़ा सा रिस्क हो जाएगा, ठीक है। ये जो 200 का टारगेट है ना, ये एक फ्लो के साथ कंपनी अचीव करेगी, ठीक, कंपनी एक फ्लो के साथ इस 200 के टारगेट को अचीव करेगी, इसमें रिस्क हो जाएगा अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए निवेश करेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जिट इसमें बहुत ज़्यादा मेन हो जाएगी, यानी एग्जिट बहुत ज़्यादा मैटर करेगी आपके रिटर्न पर कि कितना रिटर्न आप बनाएंगे, क्या किस समय पे आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए। सिंपली चीज़ है, 200 का टारगेट लेकर चल रहे हो, एक से डेढ़ महीने के अंदर फ्लो के साथ शेयर जाएगा, एंट्री बहुत ज़रूरी हो जाती है। जो आपको एंट्री लेनी है ना शेयर में, यानी परचेजिंग प्राइस अपना वो रखना है 115 रुपये के आसपास, 112 से 115 के बीच में शेयर आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और कंपनी का शेयर इस प्राइस पे ना 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही देखने को मिल सकता है। तो कंपनी को ऑब्जर्वेशन में रखो, शेयर को ऑब्जर्वेशन में रखो, एक अच्छे प्राइस 115 रुपये के प्राइस के आसपास खरीदो, 200 प्लस का टारगेट इसमें एक से डेढ़ महीने के अंदर अंदर लेकर चलो। ध्यान रखना जैसे ही आपका टारगेट अचीव हो ना एग्जिट करना है, एग्जिट का समय नहीं मिलेगा बाद में अगर इसके इसमें ज़्यादा लालच में आ जाओगे, तो अपने टारगेट को जैसे ही अचीव करो एग्जिट कर देना। लेकिन फिर भी दोस्तों अपनी स्टडी जरूर ऐड करना, अपनी स्टडी ऐड करोगे एक अच्छा डिसीजन आप इसके ऊपर अपना बना सकते हो। सो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई हो, अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हो और मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही अन्य आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन समय रहते हम आपके साथ साझा कर पाएँ। धन्यवाद।